نؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون وقال الله تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ये पंखा बंद करो ये दो पंखे बंद कर दो बस मोहतरम हजरात देखिए असल में हमारा मौजू तो चल रहा था कि जो हालात चल रहे थे पूरी 1947 और फिर 1857 ये सारे हालात हम आपके सामने जो है वार्स कर रहे थे। अभी जो है कुछ आगे के हालात मुझे बयान करना चाहिए था इस जुमा में, लेकिन जो है बाद वजूह की बुनियाद पर इस जुमा जो है हम दूसरी बात आप हजरात के सामने जिक्र करने जा रहे हैं। उसकी वजह यह है कि इस वक्त में जो हमारे शहर बीजापुर में मुसलमान गैर मुस्लिम जितने भी लोग परेशान हैं वो तमाम के तमाम जो है इस बात को महसूस करें कि ये परेशानी की वजह क्या है। और लोग आए दिन, अभी इसका तज़किरा आम हो गया है कि हर तरफ सुबह शाम जलजले आ रहे हैं, सुबह शाम ज़मीन में झटके महसूस हो रहे हैं, कब कब आ रहे हैं पता भी नहीं चल रहा है। आज सुबह 7 बजे आया बाज़ लोग बोलते हैं अभी, और महसूस भी हुआ सुबह में 7 बजे। एक एक दिन में दो दो जलजले आ रहे हैं, एक एक दिन में दो दो ज़मीन के झटके महसूस हो रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें इस वक्त में परेशानी का जरिया बन गई है। तो इसके लिए जो है हमने ये सोचा कि इस जुमा वो तारीख बयान करने के बजाय आज जो है थोड़ा सा उन हालात पर कि जिनकी वजह से हम लोग परेशान हो रहे हैं उसका तज़किरा हमारे सामने आ जाए। देखिए अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाते हैं कि ज़हरल फसाद फिल बर वल बहर बिमा कसबत अयदी अन्नास लियुज़ीकहुम बअद अल्लज़ी अमिलू। अल्लाह फरमाते हैं कि जो कुछ ज़मीन में और तरी में यानी समंदर में और खुश्की में जो भी फसाद आता है, जो भी फितना आता है, जो भी गड़बड़ होती है, वो इंसानों की हाथों की कमाइयाँ होती हैं। इमा कसबत अयदी अन्नास। और अल्लाह ऐसे क्यों करते हैं? तो ऐसा इसलिए होता है लियुज़ीकहुम बअदल्लज़ी अमिलू, ताकि जो वो आमाल कर रहे हैं उसका कुछ बदला उनको चखाया जाए। लियुज़ीकहुम बअदल्लज़ी अमिलू, ताकि जो है उन्हें उसका बदला चखाया जाए जो वो आमाल कर रहे हैं, ताकि लअल्लहुम यरजिऊन,
ताकि वो सारे के सारे लोग वापस अल्लाह की तरफ में पलट जाए। ये कुरान की आयत है, इसमें साफ अल्लाह ताला बयान फरमा रहे हैं कि जो कुछ आप गड़बड़ी देखते हैं तो वो गड़बड़ी जो है वो इंसानों के आमाल की वजह से होता है। बिमा कसबत अयदी नास, हाँ कि जलजलों का आना इसके कुछ साइंसी वजूहात होते हैं। बाद लोग कहते हैं कि गैस की वजह से जो है प्रेशर बनने की वजह से जमीन में जलजले आते हैं, बाद लोग कहते हैं कि पानी की नमी की वजह से जलजले आते हैं, और भी बहुत सारी आतिशफिशाओं की वजह से जमीन में जलजले आते हैं। बहुत सारी वजूहात हैं, जमीन में नीचे प्लेटें हैं वो प्लेटों के खिसकने की वजह से जो है जलजले आते हैं। लेकिन जो है आखिर में जाकर के सवाल ये पैदा होता है कि वो जमीन में प्लेटों को कौन खिसकाता है, नीचे जमीन को हरकत कौन देता है। आखिर में जाकर के यहां सवाल अटकता है कि भाई जमीन को जिसने जमीन में नीचे प्लेटें कायम की तो वो कौन है जिसने जमीन के नीचे प्लेटों को कायम किया, वो कौन है जिसने जमीन को परत दर परत बनाया है, वो कौन है जो जमीन को कंट्रोल करता है। तो यहां आकर के सवाल अटकता है, और यही चीज जो है सबसे अहम और बुनियादी चीज है कि इसकी तौजीह तो यह है कि जमीन हल रही है इसकी वजह से, लेकिन कि उसके हलाने वाले कौन हैं, ये बहुत बुनियादी बात है। यही अल्लाह कहते हैं कि इस जमीन के मालिक हम हैं और हम ही जो है इस जमीन को उलटते पलटते रहते हैं। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने जो है कौम शुएब के हालात जिक्र फरमाए, कौम शुएब के हालात अल्लाह ने जिक्र फरमाए हैं कि फअखदतहुम अर्रजफा। अल्लाह ने कुरान मजीद में फरमाया कि कौम शुएब जो है वो अल्लाह की नाफरमानी कर रही थी, क्या करते थे, नापतोल में कमी करते थे, नापतोल में कमी करते थे कि पैसा तो पूरा लेते थे, एक किलो का पूरा पैसा ले रहे हैं, लेकिन जब दे रहे हैं तो वो 900 ग्राम है। पैसा पूरा वसूल करते थे, दाम पूरा लेते थे, लेकिन जो है अपना देने के वक्त में जो है उसमें कमी करते थे। तो कौम शुएब नापतोल में कमी करती थी, तो अल्लाह ताला ने हजरत शुएब अलैहिस्सलाम को भेजा कि जाओ अपनी कौम को समझाओ कि इस तरह का गलत काम ना करें कि जब पैसे पूरे ले रहे हो तो जितना पैसा ले रहे हो उतना माल जो है वो सामने वाले को दो। तो हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने जो है अपनी कौम को समझाया कि जो है इस तरह से काम करें, तो कौम शुएब ने ये कहा, वो बिजनेसमैन कौम थी, वो कहने लगी कि अगर जो है हम इस तरह नहीं करेंगे तो पैसा कहां से कमाएंगे। क्या कहने लगी कि अगर हम इस तरह नहीं करेंगे तो पैसा हम कहां से कमाएंगे, पैसा हम कहां से कमाएंगे। अपने पैसे के कमाने के लिए उन्होंने जो है नापतोल के अंदर में कमी को जायज करार दिया। फिर अल्लाह की तरफ से नबी आए और नबी आकर के उनको पकड़ पकड़ करके समझाया कि आपको नाफरमानी नहीं करनी है, नापतोल में कमी नहीं करनी है, ये पकड़ पकड़ करके समझाया तो वे फिर भी नहीं मानने लगी। तो फिर क्या हुआ, अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया एक टाइम तक उनको समझाते रहे। अल्लाह जो है बहुत लंबी मुद्दत देते हैं, 10 साल 20 साल 25 साल 30 साल 50 साल ऐसा लोगों को सुधरने का अल्लाह मौका देते हैं। आज गलती की है आज ही नहीं पकड़ते अल्लाह, आज इसने नाफरमानी की तो आज ही नहीं पकड़ते हैं। जरा सा जो है हम हालात के ऊपर में गौर करें तो हमको पता चलेगा। तो है शुएब अलैहिस्सलाम की कौम को अल्लाह ने मौका दिया 10 साल 20 साल 30 साल 40 साल 50 साल, और नबी मेहनत करते रहे, आखिर में उस कौम ने नबी की बात को मानने से इनकार कर दिया। तो अल्लाह कहते हैं कि फाखदतहुम अर्रजफा फासबहू फी दारिहिम जासिमीन। तो अल्लाह कहते हैं कि फिर हमने उनके ऊपर में एक जलजला भेजा, इसका तस्करा कुरान में कि हमने उनके ऊपर में एक जलजला भेजा और वो जो है पूरे के पूरे जो है अपनी जगह पर अपने घरों के अंदर में जो है नेस्त तो नाबूद हो गए। कुरान में अल्लाह फरमाते हैं कि जब हम पकड़ करते हैं, जब हमारा अजाब आता है तो दो वक्त में अल्लाह का अजाब आता है, जिसका तस्करा अल्लाह ने कुरान में फरमाया,
ایک وقت جب اللہ کا عذاب آتا ہے وہ اس وقت میں ہوتا ہے کہ وہم نائمون, کہ جب لوگ سو رہے ہوں گے اس وقت میں اللہ کی پکڑ آتی ہے, اور دوسرا وہ وقت آتا ہے جب لوگ کھیل رہے ہوں گے, کھیل کے وقت میں اور سونے کے وقت میں اللہ جو ہے عذاب کو نازل فرماتے ہیں. غفلت کے وقت میں جہاں لوگوں کو احساس نہیں ہوتا ہے کہ جو ہے کیا کر رہا ہوں میں, اس کا ان کو احساس نہیں ہوتا ہے, رنگ رلیاں منا رہے ہوتے ہیں, ناچ گانے کر رہے ہوتے ہیں, فنکشنوں کے اندر میں رہتے ہیں, تو ایسے وقت میں جو ہے اللہ کو بالکل بھلا چکے ہوتے ہیں, اس وقت میں اللہ کا عذاب آتا ہے. اللہ نے قرآن میں دو وقت مقرر فرمائے ہیں اپنے عذاب کے, ہم اس وقت میں پکڑتے ہیں, وہم نائمون, وہ سو رہے ہوتے ہیں اور ہمارا عذاب آ کر کے ان کو پکڑ لیتا ہے, اور وہ لوگ جو ہے کھیل رہے ہوتے ہیں اور ہمارا عذاب آ کر کے ان کو پکڑ لیتا ہے. اب آپ تھوڑا سا سوچئے کہ یہ سارے حالات جو ہے, یہ زلزلے کنٹینیو جانا, ایک کے بعد دوسرا, دوسرے کے بعد تیسرا, تیسرے کے بعد چوتھا, ابھی تو ایسا ہو گیا بیجاپور کے اندر میں کامن جیسا مسئلہ ہو گیا ہے کہ روز دو دو زلزلے آ رہے ہیں, کنٹینیو زلزلے آ رہے ہیں. ڈیڑھ مہینے سے یہ چیز کو سنا جا رہا ہے, ڈیڑھ مہینے سے زلزلے بیجاپور میں آ رہے ہیں. آپ معلوم کیجئے کہ یہ چھوٹے چھوٹے زلزلے جو ہے ایک بہت بڑے زلزلے کا پیش خیمہ ہو سکتے ہیں. ہاں, یہ چھوٹے چھوٹے زلزلے آئندہ ایک بہت بڑے زلزلے کا پیش خیمہ بن سکتے ہیں. اس کی وجہ جو بھی ہو, چاہے اس کی وجہ جو ہے لوگ وہ سائنسی توجیہ کریں, لیکن جو ہے مسلمان کا ایمان اس بات پر ہونا چاہیے جس کو قرآن میں اللہ نے بیان فرمایا کہ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ, کہ ہم نے زلزلوں کے ذریعے سے قوم شعیب کو ہلاک کیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے جب نافرمانی کی تو اللہ تعالیٰ نے زلزلے بھیج کر کے ان کو تنبیہ کی, یہ تنبیہ ہوتی ہے. آج سے 30 سال پہلے لاتور کے اندر میں زلزلہ آیا تھا, بہت سارے لوگوں کو شاید پتہ نہ ہو یا ہے کہ بھول گئے ہوں, 30 سپٹمبر 1993 کے اندر میں کلاری لاتور کے اندر میں زلزلہ آیا, اتنا خطرناک زلزلہ آیا 50 گاؤں ایک وقت میں تباہ ہو گئے, 50 گاؤں. یہ اللہ کی قدرت اور طاقت ہے, بچا سکتے ہو تو بچا لو اپنے گاؤں کو, لڑ سکتے ہو تو لڑ لو طاقت سے, روک سکتے ہو تو اس زمین کے ہلنے کو روک کر کے بتاؤ. سائنٹسٹ یہ تو بتا سکتے ہیں کہ اس کی وجہ سے زمین ہل رہی ہے, لیکن جو ہے یہ کام کر سکتے ہیں کہ زمین کو روک دیں اپنی طاقت سے؟ کوئی ان کے پاس میں حل ہے زمین کو روکنے کا کہ زمین نہ ہلے, زمین میں زلزلہ نہ آئے اور زمین جو ہے اسی جگہ پر موجود رہے؟ ایسا کوئی حل ہے؟ حل تو یہ بتا سکتے ہیں کہ پلیٹوں کے کھسکنے سے زلزلہ آ رہا ہے, گیس کے پریشر سے زلزلہ آ رہا ہے, پانی کی نمی کی وجہ سے زلزلہ آ رہا ہے, یا ایک اور کسی اور وجہ سے جو ہے زمین میں حرکت آ رہی ہے, لیکن کیا تمہارے پاس میں یہ طاقت ہے کہ اس زمین کے ہلنے کو تم روک سکو؟ تو پھر زمین کو نہ تم ہلا رہے ہو نہ زمین کے ہلنے کو تم روک سکتے ہو. زمین کا ہلانا یہ زمین کے مالک کی طرف سے ہوتا ہے, اور زمین کے ہلنے کو روکنا یہ زمین کے مالک کی طرف سے ہوتا ہے, اور یہ پوری زمین کے مالک اللہ ہے. ایک انسان بھی دنیا میں نہیں آیا تھا تب اللہ نے زمین کو بنایا, جب سارے انسان دنیا سے مر کر کے جائیں گے تب یہ زمین اسی طرح سے باقی رہے گی. ایسا نہیں ہے کہ یہ بیجاپور آگ کے آنے کے بعد وجود میں آیا ہے, یہ زمین جو ہے جب اس کا نام بیجاپور نہیں تھا تب سے یہ زمین موجود ہے, یہاں کوئی انسان نہیں بستا تھا اس وقت سے یہ زمین موجود ہے. اس زمین کو کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا ہے. اس زمین کو نہ ہلے اس کے لیے زمین میں پہاڑوں کو کیل بنا کر کے کس نے ٹھوکا ہے؟ اللہ نے ٹھوکا ہے. یہ پہاڑ جو ہمیں نظر آتے ہیں زمینوں پر, یہ کیلے ہیں کہ ہم نے جو ہے ان پہاڑوں کو اوتاد بنایا, ہم نے ان پہاڑوں کو کیلے بنائی ہیں, اور زمین نہ ہلے اس کے لیے ہم نے جو ہے ان کیلوں کو اس کے اوپر میں مضبوطی کے ساتھ میں ہم نے ٹھوک دیا ہے.
तो जमीन बनाने वाले अल्लाह और उन पहाड़ों को कील बनाकर के उसके ऊपर ठोकने वाले अल्लाह हैं, और हलाने वाले भी जमीन के अल्लाह हैं, और फिर जो है उस जमीन को हलने से रोकने वाली जात भी अल्लाह की है। जब उसकी मर्जी आती है और जब उसका कानून जो है बनता है तो फिर जमीनें हलती हैं, फिर दुनिया की कोई ताकत नहीं होती उस जमीन को रोक सके। जब जो है सैलाब आया, आंधियां और तूफान आए अमेरिका के अंदर में, कसरत के साथ में वहां आंधी और तूफानें आती हैं, हर तूफान का वो लोग एक नाम रखते हैं, तो एक मरतबा सुनामी की तरह से तूफान आया तो सारी गवर्नमेंट आजीज और बेबस हो गई उसके सामने, सारी गवर्नमेंट आजीज और बेबस हो गई, अमेरिका की गवर्नमेंट आजीज और बेबस हो गई। उन्होंने मजहबी लोगों से कहा कि इसका क्या इलाज है, तो सारे पादरियों ने मिलकर के मशवरा किया फादर्स ने कि जो है हर जगह जगह पर जो है ओ गॉड के पोस्टर लगाए जाए कि लोग चलते फिरते जो है अल्लाह अल्लाह कहते रहे। इसलिए आज भी जो है इन अमेरिकन की जुबानों पर कोई भी मामला दो गॉड या अल्लाह या अल्लाह, मजबूर और बेबस हैं हम लोग अल्लाह के सामने। ये जलजला आया लातूर में, किल्लारी में, तो 50 गांव हलाक हुए। एक मुख्तसर अंदाजे के मुताबिक 10,000 से ज्यादा जाने गई हैं और 30,000 से ज्यादा लोग जो है जख्मी हुए। उस जलजले के झटके का असर 30 साल के बाद भी आज तक दिमागों से नहीं निकला है। जंगें होती हैं, उन जंगों के असरात खत्म हो जाते हैं, लेकिन जब जलजले आते हैं, जब सुनामी आती है, आपने नहीं देखा इंडोनेशिया के अंदर में जब सुनामी आई तो क्या हाल हुआ, इंसानों की लाशें जो है कचरों की तरह पड़ी हुई थी। सुनामी जब आया, अल्लाह ने समंदर को, हदीस में आता है कि जब बंदे गुनाह करते हैं तो समंदर कहता है अल्लाह से कि अल्लाह मुझे इजाजत दे कि मैं इन जालिमों के ऊपर में चढ़ जाऊं। समंदर चढ़ता है, अल्लाह ने इजाजत दी समंदर को इंडोनेशिया में कि चढ़ जाए इन जालिमों के ऊपर में, तो फिर जो है चढ़ गया और फिर हजारों गांव लाखों इंसान ऐसे पड़े हुए थे जैसे कि कचरा पड़ा हुआ होता है। और ये बात अच्छी तरह से हमको याद रखना चाहिए कि जब कोई बड़ा हादसा होने वाला होता है तो उससे पहले अल्लाह एक छोटा हादसा देकर के तंबीह करते हैं। मैं आपको इसकी कुछ मिसालें दूंगा जो हुई हैं वाकई में। 1947 में जब हमारा मुल्क आजाद हुआ तो मुल्क आजाद हुआ, लेकिन जो है 3 रियासतें आजाद नहीं हुई थी, उनका मसला उसी तरह से अटका हुआ था। एक रियासत जो है कश्मीर की, उसका मसला उसी तरह से अटका हुआ था। 47 में इंडिया एक तरफ हो गया, पाकिस्तान एक तरफ हो गया, लेकिन कश्मीर उसी तरह से बाकी था। दूसरा हैदराबाद उसी तरह से बाकी था, और तीसरा जूनागढ़, ये रियासत भी उसी तरह से बाकी थी। ये तीनों रियासतें जो है अपनी आजाद हुकूमत बनाने के ऊपर में तुली हुई थी। उस वक्त के हालात आप पढ़िए कि हैदराबाद में उस वक्त में क्या हालात चल रहे थे। 47 से पहले हैदराबाद के अंदर में क्या हाल चलता था लोगों के दरमियान में, मकामी लोगों में कैसी अय्याशी थी, कैसी जिना था, कैसी अल्लाह की नाफरमानियां थी। तो फिर 47 के अंदर में मुल्क की आजादी से पहले वहां जो है एक जबरदस्त सैलाब आया, और जिस सैलाब ने ऐसी तबाही मचाई कि सारे लोग परेशान हो गए। वो सैलाब आइंदा एक बहुत बड़े हादसे के लिए अल्लाह ताला ने भेजा था। 47 में ही सैलाब आया हैदराबाद के अंदर में, बहुत जबरदस्त सैलाब आया, और उसके अंदर में जो है 100 से लोगों की जानें गईं, घरों के अंदर में अनाज पानी की मुश्किलें पैदा हो गईं, लेकिन जो है उसके बावजूद भी लोग अल्लाह की तरफ में मुतवज्जा नहीं हुए। नहीं भाई, अजबाब हैं, क्या मुतवज्जा हुआ जाए अल्लाह की तरफ में, थोड़ा सा डर आया। अभी मैं देख रहा हूं कि अभी नमाजों में थोड़ा सा लोगों का रुझान बढ़ गया है।
हाँ अभी अभी दिख रहा है बीजापुर के अंदर में भी माशाल्लाह, ये भी अच्छी बात है कि भाई जो है अल्लाह डरा रहे हैं तो डर करके जो है दीन ईमान की तरफ में आना, दीन की तरफ में आना, मस्जिद की तरफ आना, ये अच्छी बात है। तो देख रहा हूं मैं अभी फजर की नमाजों में लोगों की तादाद बढ़ रही है। आम नमाजें तो बहरहाल अलग हैं, लेकिन फजर की नमाजों में मैं देख रहा हूं कि लोगों का रुझान जो है वो बढ़ता चला जा रहा है, एक अच्छी बात है। लेकिन वो 47 के अंदर में वो लोग तो वहां एक अल्लाह वाले रहते थे, उन्होंने इसको महसूस किया कि जो है ये जो चीज हुई है ये ऐसे नहीं हुई, इसके पीछे एक बहुत बड़ा राज है, हो सकता है एक बहुत बड़ा तूफान इसके बाद में आए। तो फिर जो है उन्होंने उस जगह से अपने आप को निकाल लिया, वो हैदराबाद से वहां से निकले और निकल करके जो है बाहर आ गए और 200-300 किलोमीटर दूर किसी बस्ती के अंदर में जो है हैदराबाद के जहां तक का इलाका था वो पूरा इलाका उन्होंने छोड़ दिया और छोड़ करके जो है दूसरे इलाके के अंदर में आकर के बस गए। और फिर क्या हुआ कि लोगों ने जो है अल्लाह के उस इशारे को, अल्लाह के जो है तरफ से बताए गए उन चीजों को महसूस नहीं किया, अपनी नाफरमानी पर उसी तरह से जमे रहे। तो फिर जो है 1948 के अंदर में जो है एक अलग शक्ल में अल्लाह का अजाब आया, वो था जिसको पुलिस एक्शन कहते हैं, हैदराबाद का पुलिस एक्शन जिसको मिशन अपोलो कहा गया। 1948 के अंदर में पुलिस एक्शन हुआ, इंडिया की मिलिट्री ने पूरी ताकत के साथ में जो है वो हैदराबाद के ऊपर में हमला किया और फिर जो है 4-5 दिन के अंदर में जो है पूरा हैदराबाद सरेंडर हो गया और फिर जो है वो तबाही मची हैदराबाद के अंदर में। आप उसके बारे में नहीं जानते हैं भाई, क्योंकि उसकी सारी तबाही को फाइल बंद कर दिया गया है, उसको एक फाइल में बंद करके रखा गया, उसको खोलने की इजाजत नहीं है, उसकी कोई रिपोर्टिंग नहीं कर सकता है, उसको कोई बता नहीं सकता है। लेकिन जो तबाही हुई है वो इतनी खतरनाक तबाही हुई है, कितनी हजारों औरतों के रेप हुए, कितने हजारों मुसलमान उसके अंदर में कत्ल हुए, कितनों का माल लूट लिया गया, सब कुछ हुआ 1948 के अंदर में। एक पेश खिमा होता है कि जब कोई जलजला आना शुरू हो या एक कोई सैलाब आए या कोई तूफान आए तो इसका मतलब यह होता है कि इसके बाद कोई बहुत बड़ी चीज वजूद में आने वाली होती है, बहुत बड़ा हादसा वजूद में आने वाला होता है। वो बड़े हादसे से पहले अल्लाह ताला जो है छोटे हादसे को ला करके लोगों को तंबीह करके अपनी तरफ में मुतवज्जा करना चाहते हैं कि बंदो आओ मेरी तरफ में ताकि तुमको मैं बड़े हादसे से बचाऊं। इसी तरह से आपको मालूम है कि सबसे खतरनाक दंगे जो है 2002 में गुजरात के अंदर में हुए, सबसे खतरनाक दंगे जो है 2002 में गुजरात के अंदर में हुए और वो भी कच्छभुज के इलाके के अंदर में हुए। और आपको याद करना चाहिए कि 2002 के उन दंगों से पहले उसी कच्छ के इलाके के अंदर में 2001 में जलजला आया था। मालूम कीजिए ये तारीख है, 2002 में खतरनाक तरीके से फसादात हुए, हजारों मुसलमानों का कत्ल हुआ। जो फाइल है, जो रिपोर्टें हैं गवर्नमेंट की वो अलग हैं, लेकिन जो है वो हुआ ये 2001 में जो है कच्छ के इलाके में जलजला आया, वो अल्लाह की तरफ से जो है इशारा था कि लोगों बड़ी मुसीबत तुम्हारे ऊपर में आने वाली है। इसलिए कि 98 से तैयारी चल रही थी फसादात की, गोधरा कांड न भी होता तो भी 2002 का फसाद होता, गोधरा कांड का वाकया ना होता, वो ट्रेन जलाई न जाती तो भी जो है वो वाकया होना था। इसलिए कि 98 से तैयारी चल रही थी और जो है पूरी ताकत के साथ में लोगों को उभारा जा रहा था, अल्लाह ताला ने मुसलमानों को इशारा दिया, देखो भाई अल्लाह आकर तो बोल नहीं सकते, अल्लाह आकर के बोलेंगे, कानों में आकर के समझाए, देखो अजाब आने वाला है, इस तरह से होने वाला है, ऐसे हालात बिगड़ने वाले, अल्लाह आकर के जो है लोगों को बताएंगे, इशारे होते हैं, ज़बाने खल्क को नकारे खुदा समझो, लोग अगर बोल रहे हैं तो इसी को जो है नकारे खुदा समझो, अगर जो है अवामी लोगों की जुबानों पर ये चीजें आ रही हैं तो इसी को जो है अल्लाह की तरफ से इशारा समझो,
2001 में जलजला आया कच्छ के इलाके में, और फिर जो है 2002 के अंदर में खतरनाक तरीके से दंगे हुए, और जो है जो तबाही मची, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, जो तबाही मची उसका आप तसव्वुर नहीं कर सकते। जिन लोगों ने उसको देखा है, जिन लोगों ने उसको जाना है, वो दीवाने और पागल हो गए हैं। उन दंगों को जिन्होंने देखा है वो पागल हो चुके हैं, और आज भी उन दंगों के मजलूमीन अपनी कानून की और इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन उनको कोई इंसाफ नहीं मिल रहा है। बिल्किस बानू जो जिसके जो है मां का रेप हुआ, जिसकी जो है बच्ची का कत्ल हुआ, और जिसके अतराब में रहने वाले लड़कियों का रेप हुआ, खुद उसका रेप हुआ, और इत्तेफाक से वो बिल्किस बानू बच गई और उसने जाकर के मुकदमा लड़ा। 2002 में उसके साथ में मामला हुआ, आज जाकर के 2022-23 के अंदर में जो है वो उसके मुलजमीन को ये इस बुनियाद पर रहा किया गया कि ये ब्राह्मण्स हैं, और ब्राह्मण जो है कोई बड़ा बुरा काम नहीं करते हैं, इसलिए जो है इनको छोड़ दिया जाए। और फिर जो है उन मुल्ज़मीन को ला करके हार पहनाए गए, उनके माथों पर जो है वो संदल का जो है ये लगाया गया, और बाइज्जत तरीके से उनको लाया गया कि ये वो लोग हैं जिन्होंने कोई बुरा काम नहीं किया। 3 साल की बच्ची का कत्ल करके इन्होंने कोई गलत काम नहीं किया, 3-4 औरतों का एक साथ में रेप करके जो है इन्होंने कोई गलत काम नहीं किया। ये बुरे नहीं होते हैं, इन्होंने कोई गलत काम नहीं किया है, इस वजह से हुकूमत ने उनको जो है नरमी और ढील दी है। वाकई नहीं, वो वाकई है। आप इंसाफ के लिए लड़ते रह जाएंगे, आपके साथ में वो सब कुछ होगा, और फिर मुजरिमीन आपके सामने दंदनाते हुए आएंगे। जिन्होंने हमारे घरों को लूटा वो हमारे सामने होंगे, जिन्होंने हमारी बहनों की बेइज्जती की वो हमारे सामने होंगे। हम कुछ नहीं कर पाएंगे, पूरा इंडिया के सारे मुसलमान मिलाकर के कुछ कर पाए? उन ब्राह्मणों को छोड़ दिया गया, यही तो है मनुस्मृति, यही तो है मनुस्मृति, कि मनुस्मृति के कानून के अंदर में यह है कि जब ब्राह्मण कत्ल करता है तो सिर्फ उसको उसकी चोटी काटी जाए, और जब वो किसी औरत का रेप करता है तो उसको बुरा भला कह करके तादीब करके उसको छोड़ दिया जाए। यही है मनुस्मृति का कानून, यही है हिंदू राष्ट्र, और यही है ब्राह्मण राष्ट्र, और यही है राम राज्य। गैर महसूस तरीके से ये चीज जो है बिल्किस बानू के केस के अंदर में वजूद में आ गया है। तो खैर, बात दूसरी तरफ जा रही है, तो मुझे ये बताना है कि हालात जलजले जब आते हैं तो वो जो है उसकी वजह यह होती है कि उसके बाद कोई बड़ा हादसा आने वाला होता है। अब ये छोटे छोटे जलजले हैं, इन छोटे जलजलों के बाद में बड़े जलजले आएंगे, छोटे छोटे जलजलों के बाद में बड़े जलजले आएंगे। मैं जो है कुछ वाकयात, कुछ बातें लिख करके लाया हूं कि इन जलजलों के वजूहात क्या हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में मदीने मुनव्वरा के अंदर में जलजला आया, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारे सहाबा इकराम से फरमाया कि ऐ लोगों, तुम्हारा खुदा तुमसे इस्तग़फार चाहता है। देखो, नबी मौजूद हैं, सहाबा हैं, छोटी छोटी गलतियां हुई तो उस वक्त में थोड़ा सा भी जलजला आया तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि ऐ लोगों, तुम्हारा खुदा तुमसे जो है माफी चाहता है, अपने अल्लाह से माफी मांगो। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के जमाने में जलजला आया तो हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने जो है उस जमीन पर पैर मार करके कहा कि ऐ जमीन, क्या उमर ने तेरे ऊपर में इंसाफ को नहीं कायम किया है? फिर क्यों हिलती है? रुक जा। तो जलजला रुक गया, लेकिन हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु मस्जिद में गए और लोगों को जमा किया और जमा करके फरमाया कि ऐ लोगो, सदका व खैरात को बढ़ाओ। किसको बढ़ाओ? हाँ, सदका व खैरात को बढ़ाओ। माल जमा जमा करके जो है आदमी मर रहा है, माल जमा जमा करके आदमी मर रहा है, सदका व खैरात करने के लिए तैयार नहीं है, अपने माल में से जो है गरीबों को देने के लिए तैयार नहीं है। आज औरतें गुर्बत की वजह से, खाना ना होने की वजह से जिना कर रही हैं, अपना जिस्म बेच रही हैं। इसका वबाल किस पर आएगा? उन मालदारों के ऊपर में आएगा जो अपने माल पर सांप बन करके बैठे हुए हैं। इस शहर के अंदर में हो रहा है, कितनी औरतें हैं खाना न मिलने की वजह से, पानी न मिलने की वजह से, उनकी रोजी नहीं मिलने की वजह से, रोजी नहीं चलने की वजह से वो जिना, अपना जिस्म बेचने के लिए तैयार हो गई।
अपना जिस्म बेच करके अपने बच्चों को पाल रही हैं, मालदार अपना माल निकालने के लिए तैयार नहीं है, गैर जरूरी चीजों में लाखों रुपए खर्च करेंगे। लेकिन यहां मसला एक एक औरत की इज्जत का है, वो अपनी नामूस बेच रही है, अपनी इज्जत बेच रही है खाने के लिए, रोटी के लिए। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला उन्होंने फरमाया कि लोगों सदका व खैरात करो और फिर जो है अल्लाह के पास में इस्तग़फ़ार करो, अल्लाह जो है तुमसे ये चाहता है। हज़रत उमर इब्न अब्दुल अज़ीज़ रज़ी रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने में ज़लज़ला आया तो आपने जो है इसी की तरगीब दी कि जो है इस तरह से करो। अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से पूछा गया कि अम्मा आयशा ये जो है ज़लज़ले क्यों आते हैं, देखो तो अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने फरमाया कि जब जो है औरतें गैर मर्दों के लिए अपने बदन पर खुशबू लगाना शुरू करें, किसके लिए, गैर मर्दों के लिए, गैर मर्दों के लिए। अब हाल यह है औरतों का कि घरों में नेटियों में सड़ी पड़ी रहती हैं, बदन से बदबू आती है, शोरों के साथ सामने नहाती नहीं है, उसी तरह नेटी में रहती हैं, बाल बिखरे रहते हैं, लेकिन जब फंक्शनों में जाना होता है अपने आप को संवारती हैं, अपने आप को तैयार करती हैं, खुशबुओं से आरास्ता करती हैं। अब ये कॉमन मसला हो गया है, मॉल पे जाना है, पिकनिक पे जाना है, बाजार पे जाना है तो खूब बनेंगी, खूब संवरेंगी, लेकिन जो है जब अपने शोरों के सामने रहना है तो फिर जो है वहां नेटी पहन करके रहेंगी, बिखरे हुए बालों के साथ में रहेंगी, बदनों से जो है पसीने आते रहेंगे। लेकिन जो है वो अम्मा आयशा फरमाती हैं कि जब औरतें खुशबू लगाएंगी गैर मर्दों के लिए, और फिर अम्मा आयशा ने फरमाया कि जब औरतें जो है वो अपने अपने आप को नंगा होना इसमें शर्म महसूस नहीं करेंगी, नंगे होने में औरतें शर्म महसूस नहीं करेंगी, तो फिर जलजले आम हो जाएंगे। आप देखिए कि अभी जो है लोग अपने आप को चैनलों के अंदर में और जो है लोगों के व्यूज आने के लिए और जो है सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए और जो है पैसे कमाने के लिए अपने आप को अपने मोबाइल में नंगी कर रही हैं, अपने जिस्मों की नुमाइश कर रही हैं, सरेआम जो है चैनल बना करके जो है औरतें लड़कों के साथ में जो है वो चुम्मा चाटी कर रही हैं, अपने बदन को खोल करके बता रही हैं कि जब जो है नंगी होने में औरतें बेशर्म हो जाएं, यानी ये कि नंगी होना उनके लिए आम बात बन जाए, यहां तक जो है चड्डी पहन करके लड़के बेचारे पैंट जो है नीचे तक झूलती रहती है लड़कों की, और वो पैंट जमीन को साफ करती रहती है, ऐसी पैंट लड़के पहनते हैं, और लड़कियां जो है वो इतनी छोटी चड्डियां पहनती हैं, अल्लाह माफ फरमाए, इतने छोटे स्कर्ट पहनती हैं, ये भी जो है उसका आम हो जाता है। आज देखिए नंगी औरतों के वीडियोज आम हो गए हैं, गैर मर्दों के सामने अपने आप को नंगा कर रही हैं, लिव इन रिलेशनशिप के अंदर में वो उसका शोहर नहीं है, वो हराम है, लिव इन रिलेशनशिप के अंदर में जो है अपने आप को पूरा नंगा कर रही हैं गैर मर्दों के सामने, अपने बॉयफ्रेंड के साथ में मौज मस्ती में जो है अपने आप को नंगा कर रही हैं, लॉजों के अंदर में जाकर के पूरी तौर से नंगी हो रही हैं, हलाल है इनका नंगा होना गैर मर्दों के सामने, बॉयफ्रेंड के सामने हलाल है नंगा होना इनका, ये सब काम हो रहे हैं और कसरत के साथ में हो रहे हैं। फिर अजाब नहीं आएगा तो क्या होगा, अल्लाह की गीरत जोश में नहीं आएगी तो फिर क्या होगा, अल्लाह ऐसे लोगों को जमीन से पाक नहीं करेंगे तो क्या होगा। लेकिन जब जलजला आता है तो फिर ऐसे ही लोग नहीं मरते, अच्छे लोग भी उसके अंदर में मर जाते हैं, इसलिए कि अल्लाह जब अजाब को नाजिल करते हैं तो चुन चुन करके नहीं मारते, जब अल्लाह का उमूमी अजाब आता है तो अच्छे और बुरे सब उसके अंदर में पिस जाते हैं। फिर अम्मा आयशा ने फरमाया कि जब औरतें शादीशुदा औरतें बहकने लगेंगी, क्या फरमाया कि जब शादीशुदा औरतें बहकने लगेंगी, जल्दी आने के अस्बाब बता रहा हूं मैं आपको कि जब शादीशुदा औरतें बहकने लगेंगी, अभी जो है ऐसे सीरियल बताए जा रहे हैं जिनमें जो है औरतें बहक रही हैं, ये शादीशुदा औरत है लेकिन उसका 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 रिश्ता जो है दूसरी दूसरे मर्द के साथ में,
ये उसके मर्द के साथ में और ये उसके मर्द के साथ में, ऐसे सीरियल बताए जाते हैं और इसे एक कल्चर का रूप दिया जाता है। ये भी तरह का एक कल्चर है करके जो है लोगों के अंदर में आम किया जाता है। अम्मा आयशा फरमाती कब बताई गई बात ये 1400 साल पहले कि जब शादीशुदा औरतें बहकने लगेंगी, और फिर फरमाया कि जब शराब को नाम बदल करके पिया जाएगा। हाँ, बहुत अहम मामला है ये, हजारों मुसलमान इसके अंदर मुबतला है। एक तो डायरेक्ट शराब पीना, ये तो खैर है ही है, अच्छे अच्छे लोग शराब पी रहे हैं, अभी फैशन बन गया है। कई हमने गैर मुस्लिम डॉक्टरों को देखा, मस्त जो है शाम में शराब पी करके आते हैं, उनकी गाड़ी चलाने के स्टाइल से पता चलता है। सुबह में अलग टाइप से गाड़ी चलाते हैं और रात में अलग टाइप से गाड़ी चलाते हैं। मुसलमानों के अंदर में शराब आम हो गई है, लेकिन जब जो है कुर्ब कयामत आएगा, आएगी, और फिर उसमें जो है जलजले आएंगे, तो उसकी वजह यह होगी कि मुसलमान शराब का नाम बदल करके पिएंगे। ऐसी बोतलें आ रही हैं जिनको सॉफ्ट ड्रिंक्स का नाम दिया गया है और उसमें जो है शराब के कंटेंट्स हैं, वो शराब है। तहकीक करने पर पता चला वो शराब है। मुसलमान खुलेआम शराब नहीं बेचता है, लेकिन शराब का नाम बदल करके मुसलमान शराब बेच रहा है, और खुलेआम बेचने वाले भी हैं। हमने बस्तियों में देखा मुसलमान पान पट्टी की दुकानें रखते हैं, किरानी दुकानें रखते हैं, उन किरानी दुकानों के अंदर में शराब भी बिकती है, मुसलमान बेच रहा है बस्तियों के अंदर में, यह हमने देखा है। पान पट्टियों के अंदर जो है वो ठर्रे बेचे जाते हैं, देसी शराब बेची जाती है और बेचने वाला मुसलमान है। और आम तौर से क्या हो रहा है कि मुसलमान जो है वो शराब का नाम बदल करके उस शराब को जो है वो लोगों के अंदर में तकसीम कर रहे हैं, और लोग भी आम तौर से उसे दूसरा एक नाम देकर, नए 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 सॉफ्ट ड्रिंक्स आए हुए हैं, पता नहीं क्या है। अभी जो है कुछ लोग मुझे बता रहे थे कोई रेडबुल करके कोई सॉफ्ट ड्रिंक्स है, उसकी कीमत 120 रुपए है, 100 रुपए उसकी कीमत है, और वो कैसे तैयार होता है उसकी एक कुछ अलग अलग चीजें उसी में बताई गई हैं, अलग तरीके से वो तैयार होता है। वो जो है एनर्जी ड्रिंक है करके जो है रोज रात में पीते हैं नौजवान, 120 रुपए उड़ा रहे हैं, क्या है ये? शराब का नाम बदल करके शराब पिया जा रहा है। तो ये सारी चीजें, और सबसे बड़ी बात जो मैं आज आपसे कहने जा रहा हूं, आप ये काम नहीं कर रहे, लेकिन जो लोग कर रहे हैं वो मस्जिद को आते ही नहीं। भाई आप जाकर के उनको समझाइए, अल्लाह ने मुझे तौफीक दी तो मैं खड़े होकर के उनके सामने बोलूंगा कि सूद और बड्डी का कारोबार करने वाले, सूद की वजह से जलजले आते हैं, सूद की वजह से तबाहियां आती हैं। आज बीजापुर के अंदर में सबसे ज्यादा मसला सूद और बड्डी का हो गया है, अच्छे अच्छे लोग सूद के कारोबार में हैं, यहां तक के जो है शरीफ लोगों को हमने देखा कि वो सूद से पैसे लेना और देना कर रहे हैं। मुझे एक कारगुजारी एक आदमी ने आकर के बताई कि एक मुसलमानों का ग्रुप है, उस ग्रुप ने जो है एक आदमी को 5000 रुपए सूद पर दिए, बड्डी सी दिए 5000 रुपए, वो आदमी चुका नहीं पाया। एक साल की मुद्दत गुजर गई, तो फिर जब एक साल की मुद्दत गुजरी उसके घर में कोई फंक्शन था, तो वो पूरा ग्रुप जो है जिसने सूद से पैसे दिए थे, कितने दिए थे? 5000 सिर्फ दिए थे, और जो है शादी के टाइम में उनके घर के अंदर में आ धमका और कहने लगा कि तुम्हारे हमने तुम्हें 5000 रुपए दिए थे, याद है कि नहीं याद है? वो कहने लगे मैं कब लिया था तुम्हारे पास में? उसको याद दिलाया उन्होंने कि तू सूद से हमारे पास में 5000 रुपए लिए थे, एक साल हो गए हैं, अब उसकी कीमत 2.25 लाख रुपए हो गई है। शादी का वक्त है, हंगामा चल रहा है शादी घरों के अंदर में, हंगामा चल रहा है शादी घरों के अंदर में। तो फिर जो है उन्होंने कैसे तैसे करके जो है 2 लाख रुपए दे दिए, बचे 25000। कहने लगे कि ये 25000 दो दिन के अंदर में लौटाओ, अगर नहीं लौटाएंगे तो ये 25000 की फिर बड्डी शुरू हो जाएगी। हफ्ते की बड्डी होती है,
15 दिन की बड्डी होती है, महीने की बड्डी होती है, 5-5 हजार 10-10 हजार लेकर के लाखों वसूल किए जा रहे हैं। लोग मर रहे हैं, घरों को बेच रहे हैं, अपनी औरतों की जेवरात बेच रहे हैं, उनके नाक में के कान में के निकाल करके लोग जो है बड्डी के अंदर में जो है दे रहे हैं, लेकिन इन लोगों को रहम नहीं आ रहा। गली गली ये मामला चल रहा है। नौजवान अपना ग्रुप बना लेते हैं, 10-10 हजार रुपए जमा करते हैं, 1 लाख रुपए हो जाते हैं, उसको जो है बड्डी से दे रहे हैं। बीजापुर सिटी में भाई जब हमने बड्डी के बारे में बयान करना शुरू किया तो नौजवान जाकर के गली में रोकने लगे, तो एक आदमी मुझे आकर के बोलने लगा, मौलाना तुम्हारे बयान से वो नौजवान है जाकर बड्डी को आलम को रोकने लगे हैं, फोन तो पुलिस वाले उनको पकड़ लगे, क्या तुम्हें जिम्मेदार होते हैं क्या? मुझे बोल रहा उन्हें ऐसे कहीं बयान ना करते बड्डी के बारे में करेंगे, ये हाल हो गया है। बड्डी के बारे में बोलेंगे तो लोग अच्छे लोग आकर के बोल रहे हैं बड्डी के बारे में नको बोलो भाई करके, तो फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। जलजले आएंगे, रात में सो रहे होंगे और अल्लाह 15 सेकंड में जो है ये पूरी की पूरी बस्ती को तबाह कर देगा। बचा सकते हो तो बचा लो अल्लाह ताला से। आज टाइम है इनको हाथ के रोको, इनको जुबान पकड़ जुबान से रोको, इनको जो है अपने दिल के अंदर में बुरा समझो। मन रहा मुनकरन फल युगैर हो भी यदि, जो आदमी किसी बुराई को होता हुआ देखे अपने हाथ से रोके, अगर उसकी ताकत नहीं है तो जुबान से रोके, अगर उसकी भी ताकत नहीं है तो अपने दिल के अंदर में बुरा ख्याल करे। क्यों भाई, क्या हमारी जो है गली और मोहल्ले की जमातें उस बड्डी की बड्डी खोर के घर पे नहीं जा सकती हैं? इतनी ताकत नहीं है? छोटे छोटे मामले पर इतने बड़े बड़े हंगामे गलियों में हम कर लेते हैं, छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़े होते हैं। ये बड्डी खोर हमारे गलियों में रहते हैं तो पूरी गली की जमात मिलकर के उनके घर पे नहीं आ सकती? भाई हम तुझे वार्निंग कर रहे हैं कि जो है तू ये बड्डी का कारोबार बंद कर, अगर तू ये बड्डी का कारोबार नहीं बंद करेगा तो हम पूरे जमात वाले मिला करके तुझे इस गली से बाहर निकाल देंगे। क्या ये काम नहीं हो सकता है? क्या हम हलाक होने के बाद में समझेंगे? जलजले आने के बाद में, घरों के तबाही के बाद में हम समझेंगे? अल्लाह ना करे, 100 बार अल्लाह ना करे अगर कोई किल्लारी जैसा मामला हो गया बीजापुर में, लातूर के जैसा मामला हो गया, हमारी मदद को भी गवर्नमेंट नहीं आएगी। फिर रोते रहो, फिर जो है अफसोस करते रहो कि क्यों हमने पहले नहीं रोका। शराब को रोको, जिना को रोको, मुसलमान औरतें बुरके के साथ में लॉजों में मिल रही हैं, उनकी निगरानी करो, मुसलमान औरतों को पकड़ो, पकड़ पकड़ करके उनको घरों में ले जाओ, उनको पूछो तुम्हारी जरूरत क्या है, क्यों तुम जिना के ऊपर में तैयार हैं, क्यों जिना कर रही हैं, क्यों गैर मर्दों के साथ में सो रही हैं, तुम्हारी जरूरत हम पूरी करेंगे, अल्लाह के लिए पाक दामन बन के रहो। ये काम है भाई, अगर ये नहीं करेंगे, अपनों में रहेंगे तो फिर ये छोटे छोटे जलजले ये बड़े बन जाएंगे और फिर जो है वो होगा। आखिरी बात बोल करके खत्म कर रहा हूं मैं कि कुछ चीजें जो है एक ही जगह पर पूरी हदीस में है कि जलजले आने की वजूहात में से ये भी है कि माली गनीमत को घर की दौलत समझा जाएगा, माली गनीमत को घर की दौलत समझा जाएगा, और अमानत में धंधाली की जाएगी, कोई अमानत ला करके दिया तो उसमें जो है वो गड़बड़ी की जाएगी। नंबर 3, जकात को तावान समझा जाएगा, जकात देना बोझ हो जाएगा, जकात निकालने के लिए तैयार नहीं होंगे, और दीन का इल्म हासिल करेंगे दुनिया कमाने के लिए, दीन का इल्म हासिल करेंगे दुनिया कमाने के लिए, और फिर जो है बीवी की इताअत होगी और मां की नाफरमानी होगी। क्या होगा? बीवी की इताअत होगी और मां की नाफरमानी होगी, दोस्त को करीब किया जाएगा और बाप को भगाया जाएगा। दोस्त के साथ में ताल्लुकात बड़े होंगे लेकिन बाप के साथ में नहीं, बाप को भगाया जाएगा। दोस्त को करीब किया जाएगा और बाप को दूर किया जाएगा। मस्जिदों में शोर और गुल होने लगेगा, मस्जिदों में बातें चैट आवाजें हंगामे ये वो, मस्जिदों में, मस्जिदें इबादत की जगह है, मस्जिदें जिक्र अस्कार की जगह है, यहां जो है अल्लाह का नाम लिया जाना चाहिए, मस्जिदों में शोर और गुल होने लगेगा। और कौम की कियादत, कौम के लीडर जो है वो फासिक और गुनहगार लोग बन जाएंगे। जब कौम के लीडर फासिक और गुनहगार बन जाएंगे
अजाब जलजले आना शुरू हो जाएंगे। हाँ ये समझ लो। और फिर गाने बजाने के सामान, गाने बजाने के सामान की कसरत होने लगेगी तो फिर जो है वो जलजले आना शुरू हो जाएंगे। शबाब वो शराब की मस्तियां लुटाने लगेंगे, शराब भी और शबाब भी, यानी कि शराब भी पी जाने लगेंगी और लड़कियों का इस्तेमाल भी शुरू हो जाएगा तो जो है जलजले आना शुरू हो जाएंगे। और फिर जो है पिछले वाले जो बड़े अकाबरीन गुजरे हैं पहले, उनको जो है आज के नौजवान तान और तशनी करने लगेंगे। हे उनका क्या है, उनका क्या बहुत बड़े क्या? तो पिछले बड़ों को और पिछले बुजुर्गों को जो नेक गुजरे हैं उनकी तान और तशनी होने लगेगी, उन औलिया इकराम को बुरा भला कहा जाने लगेगा। ये सारे 11 असबाब हैं जिनकी वजह से जो है जलजले आते हैं, तो वो सारी तफसीलात मैंने जिक्र की हैं। तो आप जो है इनकी तरफ में जो है अपने आप को मुतवज्जा करें तो सरेदस जो है ये दो चार बातें हमारे सामने आ गई हैं। तो हम जो है इस बीजापुर को इस नजरिए से भी हम देखना शुरू करें। अब इसके बाद में देखो भाई, मैं तो अपनी जिम्मेदारी आप पर डाल रहा हूं, मेरे जिम्मे था तो मैंने आप पर जिम्मेदारी डाली है। अब ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप जो है मेरी इन बातों को बीजापुर के एक एक फर्द तक पहुंचाएं, मुसलमान गैर मुसलमान तक पहुंचाएं, उनको समझाएं कि जो है गैर मुसलमान को कि हमारे यहां इस जलजले आने के असबाब क्या होते हैं। वो सारी बातें इसलिए मैंने रिकॉर्ड कराई हैं कि कोई भी आदमी इसमें से सुन करके उनको बता सकता है। तो आप जो है इसको आम करें और अल्लाह के लिए, अल्लाह के लिए सूद को रोकने की कोशिश करें। मुसलमानों से कहें भूखे रहो, एक दिन भूखे रहो, दो दिन भूखे रहो, लेकिन सूद और बड्डी से पैसे मत निकालो, संघ से पैसे लेना बंद करो, अपने आप को भूखा रखो। बेकार की जरूरतों के लिए बड्डी से पैसे क्यों लेते हैं? उन्हीं लेने की वजह से वो देने वालों को हिम्मत बढ़ जाती है, वो आपके घरों पे आते हैं, आपकी इज्जतों को तार तार करते हैं। यहां तक हमने सुना, अल्लाह करे ये झूठ हो, अल्लाह करे ये झूठ हो, अल्लाह करे ये झूठ हो कि औरतें को जो है सिर्फ बड्डी पूरी करने के लिए जो है उनको अपने पास जो है सुलाने पर मजबूर किया जा रहा है। ये झूठ हो, मैं ये चाहता हूं कि चलो बड्डी माफ तुम्हारी ये महीने की, एक रात हमारे पास में आ जाओ। ये हाल चल रहा है करके सुनने में आ रहा है, अल्लाह करे कि ये झूठ हो, ऐसा ना हो रहा हो। लेकिन मुझे पता नहीं, आप हजरात मेरे से ज्यादा हालात को जानने वाले हैं, हम तक तो कोई आकर के बताए तभी हमको पता चलता है, लेकिन आप तो लोगों में रहते हैं, आपको अच्छी तरह से मालूम है। अगर आपको ये दिख रहा है, अल्लाह के लिए अपनी ताकत से उसको रोको, इसको रोको, वरना जो है जब ये हद से ज्यादा हो जाएगा फिर आप भी तबाह हो जाएंगे, मैं भी तबाह हो जाऊंगा, और ये जितने गुनहगार कर रहे हैं, बड़े बड़े गुनाह कर रहे हैं ना, ये सब हम लोगों को लेकर के डूब जाएंगे। फिर जो है ये सारी बातें तो हो गई हैं, आखिर में एक जरूरी ऐलान करना है, वो हमारी मस्जिद के ताल्लुक से है। वो ये है कि माशाल्लाह जो है मस्जिद में कुछ काम होने जा रहा है और उसके लिए इस वक्त में सख्त तआवुन की जरूरत है। तो आप हजरात से गुजारिश है कि नमाज के फौरन बाद जो है वो चंदा यहाँ पे नहीं होगा सफों के दरमियान में, बल्कि बाहर चंदा होगा। तो आपसे गुजारिश है कि बाहर जो है वो चंदा जो है अपना खूब से खूब दें, मस्जिद का तआवुन करें। दूसरा ऐलान ये है कि देखिए, हमने एक मुहिम शुरू की थी और अल्हम्दुलिल्लाह चल रही है कि अल्लाह को पुकारा जाए बार बार कसरत के साथ में, अल्लाह को पुकारा जाए या मुजीब के जरिए से, अम्मा युजीबुल मुस्तर इज़ा दआहु फयक्शिफुस सू, कि जब परेशान हाल अल्लाह को पुकारता है तो अल्लाह उसका जवाब देते हैं, तो या मुजीब करके जो है अल्लाह को पुकारा जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो मुहिम अभी फिर दोबारा से जो है पूरी ताकत पकड़ रही है और फिर उसके ताल्लुक से मशवरे हो रहे हैं। तो आप सोचिए थोड़ा सा, मैं आपको एक सिंपल मिसाल दे रहा हूं। देखिए, हमारे बीजापुर के अंदर में 1,20,000 मुसलमान हैं। अगर 20,000 मुसलमानों को अलग भी कर दिया जाए, नहीं पढ़ रहे हैं, 1,00,000 मुसलमान अगर तैयार हो गए और सिर्फ एक दिन 2.5 घंटे दे दें, कितना? एक दिन 2.5 घंटे दे दें, 1,00,000 बीजापुर के मुसलमान अगर एक दिन 2.5 घंटा दे दिए तो फिर क्या होगा कि इस 2.5 घंटे में वो भी कंटिन्यूस नहीं, सुबह में 1 घंटा दिए, दोपहर में 1/2 घंटा दिए, शाम में 1 घंटा दे दिए, ऐसा मिलाकर के कुल क्या हो गया? 2.5 घंटे हो गए, या चलते फिरते काम करते हुए जो है टाइम लगा करके जो है अपना 2.5 घंटा आपने मुकम्मल किया। काम करते रहते हैं, कामों के साथ में टाइम लगाया जाए और या मुजीब पढ़ा जाए, या मुजीबू या मुजीबू या मुजीबू या मुजीब पढ़ा जाए, ऐसा अगर 2.5 घंटे पढ़ते हैं
तो 100,000 बीजापुर के मुसलमान अगर सिर्फ एक दिन 2.5 घंटा पढ़े तो 100 करोड़ मर्तबा यह मुजीब हो जाएगा। इतनी बड़ी नेकी जमा हो जाएगी। अभी क्या हो रहा है, गुनाह बहुत हो रहे हैं, उसकी जुल्मत हमारे ऊपर में आ रही है, नेकियां बहुत होने लगेंगी तो ये नूर जो है वो जुल्मत को खाना शुरू करेगा। तो जो आदमी जिस फील्ड में है वहां टाइम लगा करके रोजाना 2.5 घंटा जो है या मुझे पढ़ने का एहतमाम करो, खुद भी पढ़ो, दूसरों को भी बोलो अल्लाह का नाम है जी। हालात जब आएंगे किसको पुकारेंगे, अल्लाह को ना पुकारेंगे। अल्लाह कहता है कि अम्मन युजीबुल मुस्तरा इदा दाअहू, कि जब बंदा परेशान होकर के पुकारता है तो उसकी पुकार का जवाब देने वाला कौन होता है। अल्लाह ने वहां पर लफ्ज अल्लाह को इस्तेमाल नहीं फरमाया, लफ्ज मुजीब को अल्लाह ताला ने इस्तेमाल फरमाया है। तो जो है या मुजीब पुकारा जाए, कसरत के साथ में पुकारा जाए। और फिर इतना ही नहीं, हमने इसका एक ऐप बनाया है, आप जो है प्ले स्टोर से या मुजीब करके ऐप को डाउनलोड कर लें, और जितना भी आप पढ़ रहे हैं अगर आपने उसको काउंट किया है तो उसके अंदर में एंट्री करें। हर जुमेरात जुमेरात को अल्लाह वाले दुआएं कर रहे हैं, ये सारा जिक्र जमा होगा और फिर दुआ होगी, आमाल जमा होंगे फिर दुआ होगी, आमाल जमा होंगे फिर दुआ होगी, और 27वीं रमजान पे बहुत बड़ी दुआ होगी। तो इसलिए आप कंटिन्यू इस या मुजीब को पढ़ते रहें, वो या मुजीब के ऐप को लोगों के अंदर में शेयर करें, जितना भी पढ़ा जा रहा है उसको उसके अंदर में लिखते जाएं, हर जुमेरात को इंशाल्लाह उसके ताल्लुक से दुआ होगी। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक नसीब फरमाए।